बताओ कि ये पैसे कहाँ से आए? जानू, तुमने कोई चीज तो नहीं बेची? नहीं जानू। अभी तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? जानू, मैंने सोने का काम शुरू कर दिया है। अभी ये काम तो तुम सालों से कर रहे हो। अरे वो सोना नहीं, गोल्ड वाला, गोल्ड। तुमने क्या सुनार की दुकान खोल ली है? मुझे तो पहले ही शक था कि सलमान इकबाल तुमसे कोई ना कोई काम करा के छोड़ेगा। अरे नहीं जानू, ये काम मैंने खुद शुरू किया है। आजकल सोना बहुत ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मैंने उधार रखने हैं जानू। क्या? हाँ जानू, मैं 6 महीने में उतार दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। देख लो नबील। जानू अब तुम देखना हमारे दिन कैसे फिरते हैं, हमारी बेटी ने आते ही चांदी कर दी है। नबील अब हम कुछ पैसे ना सेव कर लेते हैं। जानू पहले याशी कर ले, सेविंग होती रहेगी। मैं जरा अपने लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ जानू। ओके बाय। मेरे लिए भी कुछ लेके आना। अच्छा सुनो सुनो, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं भाई, उठा लो, मैं कहता हूँ उठा लो सोने को, उठाओ अभी। ओके नबील, तुम मेरे बेटे को अगवा करने का प्लान कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है, तुम किसी को फोन पे कह रहे थे कि उठा लो सोने को। ओ यार मैं गोल्ड की बात कर रहा था महमूद साहब। तुम गोल्ड की बात कर रहे थे? हाँ महमूद साहब, मैंने गोल्ड का काम शुरू कर दिया है। अच्छा, आज 2 किलो सोना है मेरे पास, कल 4 किलो होगा, परसों मैं शहनशाह कहलाऊंगा सोने का, मेरे सोने के पहाड़ होंगे। तुम पहाड़ों पे सोया करोगे? उड़ा लें महमूद साहब, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लें, आपको उस वक्त पता चलेगा जब मैं सोने में नहाऊंगा। यार नबील, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी माँ से छुप के जमा किए हैं, उन्हें भी कहीं कारोबार में लगा लो। महमूद साहब ये आपके बस की गेम नहीं है भाई, बड़ी गेम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 10,000 रुपए से कुछ नहीं आएगा? 10,000 रुपए में आप एक काम करें, आप मां जी को ना 2 लॉन के सूट सिलवा दें, बड़ी गर्मी है। नबील, महमूद साहब यार आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, 40 सेकंड जाया कर दिया आपने मेरे, मैंने कुछ सोचना था। तुम क्या सोच रहे हो? महमूद साहब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मर्सिडीज लूँ या BMW। अरे मेरा ख्याल है कि तुम W11 खरीद दो, रोज की दिहाड़ी है। महमूद साहब आप वाकई सीरियस नहीं है, टाइम जाया कर रहे हैं मेरा, बदतमीज। अच्छा भला मशवरा दिया इसको। फिर हम कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं नबील? जानू मैं सोच रहा हूँ बड़ी गाड़ी को खरीद। कितनी बड़ी? जिसमें सारी फैमिली बैठ के पिकनिक पे जा सके। आप बस लेने का सोच रहे हैं? बस ऐसे ही कोई मर्सिडीज वगैरह। मैं मर्सिडीज कैसे चलाऊंगी नबील? हाथों से जानू? नहीं नबील, मैं इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चला सकती। चलो तुम्हारे लिए कोई छोटी गाड़ी ले लेता हूँ। अच्छा है ना, अपनी अपनी गाड़ी अलग होगी ताकि तुम अपने काम कर सकोगी, मैं अपने। तुम सच कह रहे हो नबील? अब मैं ये नहीं बताऊंगा जानू। नबील जानू वो तो अभी मेरी चांदी बेटी छोटी है, वो नए कादी गाड़ी तो मैं इसको भी दिला देता। नबील हम बहुत ज्यादा फजूल खर्च तो नहीं हो गए ना? जानू तुम्हें तो पता है मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे जरा देर हो रही है, बंदा शोरूम पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओके बाय। हाँ हाँ महबूब, सोना रोक के रखना, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। ये स्वेटर लाई हूँ सोने के लिए। नहीं सोने के लिए नहीं, पहनने के लिए। माँ जी ये सोने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। हाँ तो वो बड़ा होके पहनेगा ना। चल अब तू दिखा। भाई मैं तो चांदी के लिए सोने की बालियां लाई हूँ, ये देखे। ये सोने की बालियां तू चांदी के लिए क्यों लाई है? सोने को दे। अरे सोना चांदी की बालियां कैसे पहनेगा यार? ये चांदी की नहीं है, सोने की बालियां है। अरे ये चांदी की बालियां है। तू बता नगद। सोने की वशे। अरे सोने की बालियां हैं पर चांदी के लिए है। यार एक तो हमने अपने बच्चों के नाम इतने अजीब रख दिए हैं, सोना चांदी। अरे ये नाम बड़े हिट हैं, इसी की वजह से तो नबील का कारोबार चल रहा है। हाँ ये भी है। ये नबील आया नहीं अभी तक। आज तो वो गाड़ी लेकर ही आएगा महमूद साहब। है सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे
सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। बर्बाद हो गया। क्या हुआ नबील? मैंने लोगों से उधार पकड़कर 25 लाख जिस शख्स को दिए थे ना, वो दुबई भाग गया है। क्या? हाँ जानू। नबील अब हम क्या करेंगे? जानू मैं 25 लाख कहाँ से लाऊंगा? मेरा मियाँ सदमे से पागल हो गया है। अरे मोमू, मेरे 10,000 रुपए बच गए। थैंक यू नबील, थैंक यू। शर्म आनी चाहिए आपको महमूद साहब। चुप है। शर्म तो तेरे मिये को आनी चाहिए जो दो नंबरियां कर रहा है, दो नंबर काम कर रहा है, हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तेरे मिये की हराम कमाई से घर में नहीं आई है। चलिए जी, मैं आपको बाकी शॉपिंग ना कमरे के अंदर दिखाती हूँ। जानू सब कुछ खत्म हो गया। मैंने क्या क्या सोचा था, अब मैं 20 लाख कहाँ से लाऊंगा? 25 लाख नबील। हाँ जानू, 25 लाख। अपने पापा को फोन करो जानू, वो 1 महीने के लिए दुबई गए हुए हैं। मेरे स्वयं के बाद ही आएंगे आप। नबील जानू, वो लोग बड़े खतरनाक हैं जानू। दफा करो उन लोगों को। ये बताओ गाड़ी का क्या हुआ? मैं अपने दिन गिन रहा हूँ और तुम्हें गाड़ी की पड़ी हुई है। पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ चलाऊं गाड़ी में? ये पहले नहीं बता सकते थे? हाथ में दर्द हो गया मेरे। सिर्फ पैसे की दुनिया है, तेरा कोई नहीं है नबील सिवाय चांदी के। हेलो, रॉन्ग नंबर। तुम्हारा गला खराब है नबील? नहीं जानू, मेरा वक्त खराब है यार। शर्म करे महमूद साहब, अगर मेरा गम बांट नहीं सकते तो कम से कम मुझे तपाए नहीं यार। अरे यार, तुम्हारा नुकसान हुआ है तो तुम शोक मनाओ, मेरा तो 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। मैं तो नाचूंगा। हेलो, नबील तुम्हारा फोन है। कौन है? पता नहीं, 2-3 बंदे हैं, अलग अलग किस्म की गालियां दे रहे हैं। महमूद साहब बोले मैं यहाँ नहीं हूँ। अब वो नबील कह रहा है कि वो घर पे नहीं है। नबील, वो कह रहे हैं कि हम तेरे घर में घुस के तुझे मारेंगे, हमने तेरा घर देखा हुआ है, घुस बैठिए। विशाल महमूद साहब, फोन तो बंद करें यार। मैं फोन बंद कर रहा हूँ भाई, आपने जो करना है कर ले। माँ जी खूबसूरत महमूद साहब। अरे मैं तो यहीं बैठा हूँ। आप तो यहीं हैं यार। क्या हुआ नबील? क्या हुआ पुत्र मेरे? आज के बाद मेरा कोई भी पूछे तो बोल दीजिएगा मैं यहाँ नहीं हूँ। तू कहीं जा रहा है पुत्र? ओ माँ जी, कोई भी आए, किसी का भी फोन आए, मैं यहाँ नहीं हूँ। ओके पुत्र। हेलो पुत्र, ये हमारे यहाँ नबील कौन है? अरे नबील तो ये है। और पुत्र तेरा फोन है, आज शाबाश। ओ माँ जी, नबील उनका फिर फोन आया है। क्या आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 5 घंटे का टाइम है, अगर तुमने इसके अंदर अंदर पैसे ना दिए तो वो तुम्हें ऐसा मारेंगे कि घर वाले लाश भी नहीं पहचान सकेंगे। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे मुंह पर तेजाब भी फेंक देंगे। क्या? लेकिन तुम्हें जिंदा भी जला सकते हैं। महमूद साहब, चलो यार कोई भी तरीका हो, मौत तो तय है ना, मैं जरा तैयारी कर लूं। माजी खूबसूरत, अगर मुझे कुछ हो गया खूबसूरत
तो मेरी बेटी का सारा खर्चा इसके नाना उठाएंगे। पहले भी उसके नाना ही उठा रहे थे नबील। खूबसूरत मेरी चांदी जब बड़ी होगी ना तो इसे बताना इसका बाबा इसको कितना प्यार करता था। ठीक है बता दूंगी। मैं अपनी बच्ची की जवानी भी नहीं देख पाऊंगा, मुझे कम से कम इसकी जवानी की कोई तस्वीर ही दिखा दो। मुझे लगता है मौत के डर से तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी जानू, इसका तो कोई भाई भी नहीं है, ये अकेली किससे खेलेगी। शट अप नबील, देखो तुमने रुला दिया मेरी चांदी को। जानू मुझे लगता है इसे पता चल गया कि इसका बाप जा रहा है। नहीं पता। मैं अपने भाई से मिलके आता हूँ अभी। सोना मेरी बात सुन रहा है ना, देख तू मेरा छोटा भाई है लेकिन बड़ा होकर मेरे जैसा नहीं बनना, थोड़ा बड़ा होते ही ना नौकरी शुरू कर देना, और चांदी तेरी भतीजी है उसका ख्याल रखना, उसको खुद स्कूल छोड़ के आना, आजकल का माहौल बड़ा खराब है, वादा कर भाई तू मेरी चांदी का ख्याल रखेगा। यार ये नबील अंदर क्या कर रहा है? कौन नबील? अरे तुम्हारा बेटा मोमो। हाय मेरे बेटे का नाम मोमो है। अरे मोमो तुम्हारा नाम है यार। वो तो मैं तो आपके पास ही तशरीफ रखती हूँ ना। पता नहीं क्या हो गया नबील को, सुबह मुझे भी वसीयत कर रहा था। वसीयत? हाँ मुझे बता रहा था कि क्या चीज कहाँ रखी है। कहाँ रखी है? कह रहा था कि जूते बेड के नीचे रखे, शर्ट्स वॉशिंग मशीन में, और घड़ी बनने के लिए दी हुई है। महमूद साहब यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार नबील, तुमने तो मेरे 10,000 रुपए डूबने से बचाए हैं। महमूद साहब। अरे बस करो यार नबील, तुम तो ऐसे डर रहे हो कि जैसे वो हमारे घर पर ही आ गए हो। आ गए मुझे लेने आ गए। अरे ठहरो यार मैं देखता हूँ। छुपा लो। अरे आप क्यों छुपाएंगे यार, मुझे छुपाए। हाँ हाँ नबील मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, तुम छुप जाओ। हाँ। 1, 2, 3। अरे यार मैं छुपूंगा, इस घर में तो जावेद साहब ने छुपने की जगह ही कोई नहीं बनाई है। बेगैरत बेशरम, इस तरह छुपने से बेहतर था कि तू मर जाता। मर जाने क्या? हाँ नबील अब तुम्हारी जान सिर्फ इसी तरह बच सकती है कि तुम मर जाओ। अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरी जान कैसे बचेगी? अरे झूठ मूठ मर जाओ, हम उन्हें कह देंगे कि तुम मर गए हो, वो चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है। आप सब लोग मेरे साथ हैं ना? मैं इस घटिया काम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ नबील। खूबसूरत चांदी रो रही है, मैं उसके पास जा रही हूँ। खूबसूरत मेरी बात तो सुनो। खूबसूरत खूबसूरत फोर टोपियां करा ली यार। हाँ फोन नहीं उठा रहा, घर से बाहर नहीं आ रहा तो क्या समझ रहा, बच जाएगा हमसे? और नहीं तो क्या, इतने आसानी से हमारे 15 लाख रुपए नहीं खा सकता वो। भयन 10 लाख रुपए मेरे भी हैं। ओ हाँ हाँ 25 लाख रुपए। साले से या तो आज पैसे लेकर जाएंगे वरना मार देंगे उसको। नहीं भाई देखो मारेंगे नहीं भाई। चुप कर, तेरे सिर्फ 10 लाख रुपए तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा। अबे मेरे पूरे 15 लाख रुपए, मैं तो मारूंगा इस साले को। देखो भाई आप समझ नहीं रहो, मुझे जो ना खून से डर लगता है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, गला दबा देते हैं साले का। बल्कि नहीं वो मैं बैठ जाता हूँ उसके ऊपर यार। हाँ ये ठीक रहेगा, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। नबील कहाँ है? आओ नबील के दोस्तों, वो कह रहा था कि मेरे दोस्त जरूर आएंगे। अब क्यों नहीं आते, पैसा लगाया हमारा उधर। उसने बताया था मुझे मरने से पहले। क्या आप मर चुके हैं? मैं नहीं, नबील मर चुका है। क्या? आके उसका आखिरी दीदार कर लो। हमारे पैसों का क्या होगा? माजी क्यों?
लेके चला गया। छठ के चला गया मुझे। ओए क्या बोलू, राइटर ने लाइन लिखी और राइटर और तूने मेरी लाइनें कट्टियां लग रहे, तेरी तनख्वाह कटे। अबे तू क्यों रो रहा है? मेरे 10 लाख डूब गए। अबे कहाँ से डूब गए? घर से ही मुझे कोई ऊंची असामी लग रही है। मुर्दा दफनाने से पहले ऐलान जरूर करेंगे कि मरने वाले से अगर कोई लेन देन है तो इनसे राब्ता करें। अरे हाँ, चल आजा फिर बैठते। और कोई नहीं आया? एक आदमी थे ना, वो कोई मोई नहीं लगाता इसीलिए लाया हो। ये क्या है? इमली। नहीं नहीं, मैं इमली नहीं खाऊंगा। मेरी मम्मी मना करती है, लड़के इमलियां नहीं खाते। अरे घर में चूल्हा नहीं जल सकता, इसलिए आपको खाना नहीं मिल सकता, वरना खाना खिला के भेजते। ये इमली खा लो और इसकी गुठलियां पढ़ लो और उसके बाद चले जाना। मामा, जाने वाला तो चला गया, जो बच्चा अंदर आया हुआ है उसी का कुछ ख्याल कर लो। मैं दूध कराती हूँ उसे। आंटी दूध बेचती? नहीं, नबील का भाई अंदर है, भूखा है। वो अपने भाई की मैयत में नहीं आएगा? वो भी छोटा है, तू माँ का है। अरे वाह भाई अंकल, आपका तो सीन ऑन है। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया मैं। मेरा ख्याल है अब आप लोग जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, ये तो हमारा फर्ज था। चले बिलियो मत यहाँ से। वो जी दरअसल हमने फैसला किया है कि अब हम नबील भाई को दफना के जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं भाई, हमें इसे दफनाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्यों, कब्र बहुत गहरी खोदी है क्या? नहीं, रिश्तेदार आने हैं ना दूर दूर से, ट्रेनों का हाल आपको पता ही है, 5-6 दिन भी लग सकते हैं। तब तो लाश सड़ जाएगी जी। नहीं नहीं, हमने इस पे मसाले मसूले लगाए हैं। आप इसको पकाएंगे क्या? मोमो, अब मुझसे और नहीं बैठा जा रहा, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। सुनो, आप लोग अभी चले जाओ, कल फिर आ जाइएगा। हाँ ये ठीक है। क्या ठीक है बे? नहीं जी, आज अगर नबील भाई हम लोगों में नहीं है तो क्या हम उन्हें अकेला छोड़ दें यार? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? हाँ ये भी ठीक है, चले हम इधर ही रहते हैं। चले ठीक है, फिर आप दोनों बैठे, हम सोने जा रहे हैं। चलो मामा। मैं क्यों चलूं, मैं भी सोऊंगी। अरे आओ ना यार, मूर्ति के पास अकेला छोड़ गए। मैं डरा क्यों रहा है, तू करके बैठ गया यार। अबे अबे अबे, इसका मुंह तो सीधा था। ओ नहीं यार, उसी तरफ था यार। अबे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना, सीधा था। अबे मत कर यार, तू वैसी हालत खराब है, ऊपर से तू मजीद डरा रहा है यार। अबे मेरी बात मान, तो लालच भेज 15 लाख पे, पैसे तो फिर आ जाएंगे। तू देगा क्या? अबे यहाँ से बच जाएंगे तो दे दूंगा यार, अभी तो निकल। अबे देख, इसने गर्दन फिर से निकल ली। और ना कर यार, खुदा का वास्ता बैठ गई। अब डरेंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। बस ओ भाइयों, मुझे मारना है तो मार दो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वॉशरूम जाना है वरना मैं मर जाऊंगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।